हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको कंसल्टिव डॉक्टर यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम डॉक्टर एमडी फैजान, चीफ मेडिकल ऑफिसर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फेक्शन डिजीज़ के बारे में। जो हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, अब एक सीरीज से वीडियो बनाएंगे। इनकेस अगर ये वीडियो में हम इन्फेक्शन डिजीज़ की बात कर रहे हैं, तो आने वाले जितने भी वीडियो होंगे वो इन्फेक्शन डिजीज़ से रिलेटेड होंगे। अगर बीच में एक्स्ट्रा क्यूरी आया, कोई क्वेश्चन आया, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट ये जो वीडियो है अभी, ये सीरीज के माध्यम से हम बनाएंगे। अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये एक सीरीज़ है जिसमें इन्फेक्शन डिजीज़ के बारे में, यानी संक्रमण रोग में आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल हो गया, परजीवी, ये सारे सूक्ष्म जीव जैसे विकारों से होने वाले डिजीज़ को हम लोग इन्फेक्शन डिजीज़ कहते हैं। अब इसमें आपका बहुत सारा डिजीज़ हो गया, आपका टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, या HIV बोल लीजिए, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये सारा इन्वॉल्व होता है संक्रमण डिजीज, इन्फेक्शन डिजीज में। तो ये सारा हम लोग वीडियो में कवर करेंगे कि आखिर होता क्यों है, कैसे होता है, और इसका इन्वेस्टिगेशन से लेके पूरा ट्रीटमेंट तक हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे अभी कि जब संक्रमण होता है, कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हमारे अंदर इन करता है, तो उस समय क्या हमारे बॉडी को रिस्पॉन्स नहीं करता है? जी बिल्कुल करता है। हमारा बॉडी जो इम्यून सिस्टम वो हमारे बैक्टीरिया से फाइट करता है, लड़ता है। तो अगर कोई इन्फेक्शन आपके अंदर इन कर रहा है, इन करने के जस्ट हमारे जो एंटीबॉडीज होते हैं वो बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ते हैं, तो कभी कभी बैक्टीरिया उन पे, जो हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम होता है उस पे बैक्टीरिया ज़्यादा ही प्रभावी हो जाता है, तो उस समय हमारे अंदर बैक्टीरिया इन कर जाता है जो हमारे सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं उसको किल कर देता है या कम कर देता है। इसलिए हम लोग को कोई भी लक्षण देखने को मिलता है, पेशेंट में मिलता है कि ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन का है या वायरल इन्फेक्शन, जो भी डिजीज़ आपको होगा उसका लक्षण देखने को मिलता है। तो हम लोग फाइंड कैसे करते हैं कि ये बैक्टीरिया है या वायरस है? तो अगर कोई भी वायरल डिजीज़ होता है वो एक दूसरे से फैलता है, खांसने से, छींकने से, या माउथ टू माउथ एक्सप्रेशन से भी फैलता है। तो ये फैलने वाला डिजीज़ हो गया। बहुत सारा ऐसा डिजीज़ है, स्किन में भी ऐसा डिजीज़ है जो एक दूसरे से फैलता है, तो इसको वायरस हम लोग बोलते हैं। वायरस भी बहुत सारा फैलता है, वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन क्यूरेबल है, बट उसमें थोड़ा समय लगता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे ही इम्यूनिटी सिस्टम हमारे ही बॉडी ऑर्गन को डैमेज क्यों करता है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर बैक्टीरिया इम्यूनिटी हमारे बैक्टीरिया से लड़ने के लिए होते हैं, तो फिर हमारे ही बॉडी को नष्ट क्यों करते हैं? तो कोई कोई ऐसा डिजीज़ है जिसमें हमारा इम्यूनिटी ही कन्फ्यूज़ हो जाता है। जैसे आप थायराइड को मान लो, तो थायराइड का एक डिजीज़ है जो हमारे इन्फेक्शन होता है वायरल, जो हमारे बॉडी के अंदर इन करता है, उसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो बिल्कुल थायराइड की तरह स्ट्रक्चर है उसका। तो वो जब हमारे बॉडी में इन करता है, इन करने के बाद वो नीचे की तरफ, इंटेस्टाइन की तरफ, नीचे की तरह जाता है, तब वहाँ से हमारे बैक्टीरिया, हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसे किल करते हैं। किल करने के बाद वो धीरे 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 ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद वो गले के ऊपर जाता है। जब हमारे इम्यूनिटी सिस्टम गले के पास आते हैं, तो जो स्ट्रक्चर देखते हैं थायराइड वाला, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर, वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, और थायराइड का स्ट्रक्चर भी सेम है, तो वो वायरस समझ के हमारे थायराइड को ही किल करने लगते हैं। तो वहाँ पे इम्यूनिटी सिस्टम ही हमारे ऑर्गन, कुछ कुछ ऑर्गन को डैमेज करते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, सोराइटिक आर्थराइटिस हो गया, स्किन सोराइसिस हो गया, इवन बहुत सारा ऐसा डिजीज़ है, 100+ डिजीज़ है जिसमें हमारे इम्यूनिटी ही खुद हमारे ऑर्गन को डैमेज करने लगता है, तब हमें वहाँ पे उसको इम्यूनिटी को मैनेज करना पड़ता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे इन्फेक्शन डिजीज़ में, कि हम लोग बात करेंगे इन्फेक्शन डिजीज़ का। तो इन्फेक्शन डिजीज़ में हम लोग सीरीज बाई सीरीज बात करेंगे। अभी तक के लिए हम लोग बात को यहीं ख़त्म करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इन्फेक्शन डिजीज़ क्या, इन्फेक्शन डिजीज़ में कौन कौन सा डिजीज़ है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, लक्षण क्या है, इन्वेस्टिगेशन इवेंट सारा कुछ हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में।
नेक्स्ट जितना भी सीरीज आएगा उसमें हम लोग लाइन बाय लाइन सब कुछ कवर करेंगे और सोचेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम लोग का इन्फेक्शन डिजीज़ का जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो। इवन बहुत सारा है इन्फेक्शन डिजीज़ में सीरीज़, बट हम लोग सबको मैनेज करेंगे और जो ज़्यादा इफ़ेक्टेड है और जो ज़्यादा देखने को मिलता है पेशेंट में उसका लक्षण, उसके बारे में हम लोग पहले जानकारी लेंगे। बाद में जो बहुत कम होता है, कम होने वाला डिजीज़ है, उसके बारे में हम लोग लास्ट में ख़त्म करने के समय उस चैप्टर को हम लोग ओपन करेंगे। तो चलिए ठीक है, अभी तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल से आपको बहुत सारा बीमारी को लेके अवेयरनेस मिलेगा और बहुत सारा मिथ्स ख़त्म होंगे। और हम ये जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि आपको हर चीज़ सही और सटीक तरीके से जानकारी इस चैनल से मिले। और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों।